कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार सभी को, आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपको ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसको देखकर आप आश्चर्य करोगे। सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हुए, आपको सबको पता है, बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा इसके लिए। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद रिजल्ट घोषित हुए 1 सितंबर को। उसके बाद प्राइवेट वालों के एग्ज़ाम पहले तो सीबीएसई ने कहा हम नहीं लेंगे, पर बाद में एकदम डेट शीट बता दी, जो कि बहुत गलत बात थी। अब प्राइवेट वाले बच्चे भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, उसके बाद भी प्राइवेट वाले बच्चे हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और जो काम हुआ है, बल्कि इसको मैं कहूँगा जो कांड हुआ है इस बार सीबीएसई के खिलाफ, कितनी पीआईएल हुई हैं। सीबीएसई इस बात से सबक लेते हुए इस बार नए सेशन में 2021-22 में फूक फूक कर कदम रख रही है। कैसे? इस बार सीबीएसई जरूर एग्ज़ाम लेगी, आपके मैं बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन भी लग जाए तब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार सीबीएसई विदाउट एग्ज़ाम किसी को पास नहीं करेगी। क्यों? देखो, गलती सीबीएसई की नहीं है दोस्तों, गलती हमारी है और सीबीएसई की भी है। ये देखिए, बच्चे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिए हैं 12वीं के प्राइवेट वाले बच्चों ने। उन्होंने कहा कि चेंज डेट शीट ऑफ सीबीएसई क्लास 12 प्राइवेट एग्जाम, अलाउ प्रोविजनल एडमिशंस, एससी टू हियर प्लिया ऑन ट्यूजडे। हालांकि इसको देख के आपको ऐसा लगेगा, कि यार ये तो भाई ऑर्डर हो गया है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं हुआ है अभी। ये ऑर्डर नहीं हुआ है, एक मिनट, वो चला गया। हाँ, ये रहा, ये ऑर्डर नहीं हुआ एक्चुअल में भी, ये अभी इस पर हियरिंग होगी। ये देखो, चेंज डेट शीट ऑफ सीबीएसई क्लास 12 प्राइवेट, या फिर आप इनको प्रोविजनल एडमिशन दे दो, ये कहा है, प्रोविजनल एडमिशन दे दो या डेट शीट चेंज कर दो। तो यार, डेट शीट चेंज करना अब पॉसिबल शायद मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम तो शुरू हो गए हैं। अब इस पूरी कहानी क्या है, इस पूरी कहानी का सिस्टम क्या है, पूरा बता देता हूँ मैं आपको। और ये आर्टिकल इंडिया टीवी का है, ये तो एक वो है सुप्रीम कोर्ट की इमेज। तो ये देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज सेट टू हियर अ पिटीशन ऑन ट्यूजडे सीकिंग चेंजेस इन द डेट शीट। भाई बस क्या बताऊं, क्या क्या हो रहा है, अब तो एग्जाम शुरू हो गए हैं, अब हियरिंग सुनी जाएगी कि सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम फॉर प्राइवेट पत्राचार एंड सेकंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ क्लैश विद अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंक्लूडिंग मेडिकल एंट्रेंस नीट। हालांकि एग्जैक्ट क्लैश तो नहीं हो रहा है, सीबीएसई ने उसका ध्यान तो रखा है कि डेट बिल्कुल एग्जैक्ट ना पड़े, लेकिन हाँ ये बात सच है कि सीबीएसई के जो प्राइवेट एग्जाम हो रहे हैं और मध्य प्रदेश का जो एग्जाम है उसके साथ नीट आसपास हो रहे हैं सब। मतलब बच्चों का ये कहना है कि हम किस तरह एक पेपर दे के आएंगे, फिर अगले दिन दूसरा पेपर देने जाएंगे, फिर तीसरा पेपर देने जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन होती जा रही हैं और इस तरह की पिटीशन का आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट भी एंटरटेन कर रहा है इन पिटीशंस को। एग्जाम शुरू हो चुके हैं, अब क्या होगा, क्या बीच में एग्जाम रोके जाएंगे, नई डेट शीट आएगी, या फिर जो भी पेपर नहीं हुए उनकी डेट शीट चेंज कर दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि बच्चे परेशान तो हैं। इसमें कौन कौन से बच्चे हैं? प्राइवेट वाले हैं, पत्राचार वाले हैं, सेकंड कंपार्टमेंट वाले हैं, ये सारे बच्चे हैं इसमें। और यहाँ पर ये भी अब क्लियर हो गया है कि एक पूरा जो है एक फैशन बन गया है कि हर बात पर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, क्लियर कर दो। हालांकि बच्चों की गलती भी नहीं, बच्चों ने काफ़ी डिमांड करी, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट थोड़ी चेंज कर दी जाए, थोड़ा पोस्टपोन कर दी जाए नीट के एग्ज़ाम को। लेकिन अभी तक एनटीए का कोई भी इस तरह का वक्तव्य नहीं आया बीच में कहीं से भी। एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं कहा अभी तक कि हम एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन करेंगे। बच्चे यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके कहाँ तक ले जाया जाए, अक्टूबर तक ले जाया जाए, लेकिन अभी तक भी एनटीए ने कुछ नहीं कहा है। बल्कि बीच में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था ऑनलाइन कि हम हर हालत में 12 सितंबर को एग्ज़ाम लेंगे। अब जो बच्चों को लगा या बच्चों को ये फील हो गया कि अब नीट तो एग्ज़ाम नहीं हटेगा, तो प्राइवेट वाले बच्चे सुप्रीम कोर्ट में पीएल कर रहे हैं एक वकील के माध्यम से, एक महिला वकील जो पहले भी पीएल कर चुकी हैं। और अब एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब सुनवाई तो हो रही है आज। अब सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार को, क्या जो बचे हुए पेपर हैं उनकी डेट चेंज करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी प्लेयर करी गई है, अगर बच्चे सोच रहे हैं कि उनका एडमिशन लेट हो जाएंगे बहुत, चूंकि एग्जाम लेट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में ये प्लेयर करी गई है कि हमें एडमिशन प्रोविजनल दे दिए जाएँ अभी। तो यहाँ पर ये साफ है कि प्राइवेट वाले बच्चे, पत्राचार वाले बच्चों को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, और जो मुझे भी फील हो रहा है कि यार सबको तो पास कर दिया और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। अरे पढ़ने वालों, दोस्तों मेरा तो ये मानना था जब सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल कर देते सबके, सबको पास कर दिया था, भाई इनको भी कर देते, प्राइवेट वालों को कर देते, पत्राचार वालों को कर देते, क्या इनकी क्या गलती थी यार। अब सीबीएसई कह रही है कि हमारे पास डेटा नहीं है। अरे डेटा नहीं है, कहीं तो ये पढ़े होंगे, 10वीं तक तो पढ़े होंगे बच्चे बारहवीं वाले, या इनका ऑनलाइन टेस्ट ले लेते, या इनको एक असाइनमेंट दे देते। अब देखो पीएल होने लगी फिर दोबारा से, अब एग्जाम चल रहे हैं, अब इनके पीएल सुनवाई होगी, फिर सीबीएसई के सोलिसिटर आएंगे, वो बताएंगे कि हमारे तो एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अब क्या करें।
कि जो बचे हुए एग्जाम है उनको पोस्टपोन कर देते हैं, तब तक इनको प्रोविजनल एडमिशन दे दो, फिर अगर इनका प्रोविजनल एडमिशन हुआ और रिजल्ट बाद में आया फिर बहुत लेट हो जाएगा सेशन, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इसके साथ। तो सबसे अच्छा ये था कि सीबीएसई को इस प्राइवेट वाले बच्चे, पत्राचार वाले बच्चे सबको पास कर देती इस साल, कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि इस साल आपने सबको पास किया है, इनका एग्जाम लेना कोई लॉजिक नहीं था, पर आप ले रहे हो तो ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बता देता हूं आपको, देखिए द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बिगेन एग्जाम फॉर सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट स्टूडेंट अगस्त 25 तारीख को एग्जाम शुरू हो गया, जो मैंने पहले बता दिया आपको, और जो नीट का एग्जाम है वो 12 तारीख को है। तो भाई अब देखते हैं क्या होता है, एक बात सुनिए, क्लास सीबीएसई 12वीं का बायोलॉजी का एग्जाम जो है वो 6 सितंबर को है, फिजिक्स का एग्जाम 9 सितंबर को है। मैं पूरा बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं ब्लू से लिखता हूँ, 6 सितंबर को बायोलॉजी का है, फिजिक्स का 9 सितंबर को है, 2 मेजर साइंस पेपर इन द सेम वीक ऑफ नीट एग्जाम, और 12 सितंबर को नीट का है। तो बच्चों को लग रहा है 6 फिर 9 फिर 12, तीन तीन दिन का टाइम मिल रहा है उनको, और ये यहाँ पर थोड़ा सा, और एक हाँ एक एग्जाम और भी है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का एग्जाम है 7 से 9 के बीच में, मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये बात सच है कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम जो है आपस में भिड़ गए एग्जाम। तो भाई देखो, मैं तो आपके साथ रहता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ ट्यूटर के माध्यम से, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मैं कोई सरकारी ऑफिसर नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ। कुछ लोग PL कर रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इससे बार बार PL करने से CBSE को सावधान कर रहे हैं कि CBSE आगे चलकर हमारी कोई डिमांड नहीं मानेगी, और CBSE पहले से ही कानूनी प्रावधान कर लेगी अपने कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, और एक साल में 2 एग्जाम लेने का प्रपोजल भी यही चक्कर है, यही बात है एक्चुअल में। और भाई देखो एक बात मैं आपको बता दूं, सिंस द CBSE एग्जाम शेड्यूल इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, हैंस नीट UG शुड बी पोस्टपोन्ड बाई एटलीस्ट 2 weeks, although technically exams are not same day, however some students have distance of 100 of kilometers between both the centers, CBSE and NEET, hence it will be difficult to make logistic arrangements for them, moreover exam pattern is totally different for CBSE and NEET UG, hence student will have to mentally prepare the same, the NEET UG exam, NEET UG pattern needs due time practice, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो कि बच्चे को नीट का एग्ज़ाम अलग तरह का होता है और CBSE का अलग तरह का होता है, हालांकि डेट क्लैश तो नहीं कर रही है बट उनमें बहुत कम डिफरेंस है, कुछ बच्चों को कहीं से किलोमीटर दूर जाना है तो उनके पास ट्रांसपोर्ट किया रहने की सुविधा नहीं है, इस हिसाब से नीट को पोस्टपोन करने की डिमांड कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं भी इस पर लगाऊँ, ट्विटर पर आप देखते होंगे, अगर आप लोगों ने ट्विटर पर नहीं अब तक साथ दिया हमारा तो प्लीज़ ट्विटर पर मुझे फॉलो करिए, मेरी आईडी है अनुराग त्यागी यूज़र नेम, और भाई वहाँ पर बच्चों के सपोर्ट के लिए पोस्टपोन करवाने में हमारी मदद करिए। फिलहाल भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस बारे में अब देखते हैं, और द एजुकेशन एक्टिविस्ट हैड अर्लियर सबमिटेड ए लेटर पिटीशन टू CJNV, तो कई सारे एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं जो लगातार PL कर रहे हैं और कई सारे कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पूरा मामला है कोरोना का, इसके बाद कुछ लोग तो ईमानदारी से भी बच्चों के साथ प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इसको अपने सेल्फ प्रमोशन का माध्यम भी बना लिया है कि आजकल क्या है, PL करो और आपका नाम तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, न्यूज़पेपर वालों को मसाला मिल जाता है लिखने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक क्लेश हो रहा है इससे, बार बार PL होने से लेट होती जा रही चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी CBSE के कैलेंडर को अप्रूव कर चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट कितनी बात मानता है इन एक्टिविस्ट की या जो PL हुई है वो तो फ्यूचर बताएगा। फिलहाल ये बात सच है कि नीट के एग्ज़ाम को थोड़ा सा CBSE को NTA को 1 महीने के लिए 20 दिन के लिए कम से कम पोस्टपोन कर देना चाहिए ताकि बच्चे आराम से भाई सितंबर में अपने ये एग्ज़ाम दे लें इंप्रूवमेंट के कंपार्टमेंट के और अक्टूबर में बच्चे अपना नीट दे लें, ये तो बात मैं भी मानता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आपके एडमिशन बिल्कुल होंगे सबके, बिल्कुल डरने की बात नहीं, हमारी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आजकल मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी का एक चैनल है अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th, तो वहाँ पर भाई मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 बजे 12th को पढ़ाता हूँ लाइव फ्री, और 5 बजे पढ़ाता हूँ 11th को लाइव फ्री। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर मैं कोर्स करवा रहा हूँ फर्स्ट टर्म के लिए आपका ज़बरदस्त तरीके से, और वहाँ पर आप पढ़ सकते हो मेरे साथ आकर। स्पेशल क्लास भी ले रहा हूँ मैं अनअकैडमी की ऐप पर, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, बिल्कुल फ्री है, मेरा कोड यूज़ करना है ATC10 बहाने करके लाएंगे मार्क्स, और उसको जो आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर मेरी क्लास होती है हर वेडनेसडे फ्राइडे रात को 9 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, जहाँ पर मुझसे आप डाउट भी पूछ सकते हो फेस टू फेस बिल्कुल, और सब कुछ फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री है, तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा अनअकैडमी में हर संडे को एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसमें आप 1 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो, तो ये मैं आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अनअकैडमी पर ज़्यादातर सारा कोर्स फ्री है, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, और अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस तो वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।